अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे रिज्क पाने की एक कुरानी दुआ। प्यारे दोस्तों, जो लोग गरीब और मुफलिस हैं, ये दुआ उन सभी लोगों के लिए ख़ास है। अगर आप लोगों के पास प्यारे दोस्तों पैसे की कमी है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं और पैसा यानी कि माल दौलत कम है, तो आप लोग एक बार इस दुआ को ज़रूर पढ़ कर देखें। और प्यारे दोस्तों, इसी दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़कर आसमान की तरफ मुंह उठाकर अगर फूंक दें तो एक करिश्मा आप लोग अपनी आंखों से उसी वक्त देखेंगे। वो क्या करिश्मा होगा प्यारे दोस्तों, वो अभी आप लोग इस वीडियो में जान जाएंगे। बस मैं आप लोगों को इतना कहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नीड है, आप लोग किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आप लोग ये दुआ ज़रूर पढ़ें। प्यारे दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से दिल से गुजारिश है, इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, ये कुरानी दुआ है, इसको पढ़कर इंशाअल्लाह तबारक व ताला लोगों की बहुत ज़्यादा मदद होगी, इससे आप भी सवाब के मुस्तहक बनेंगे। प्यारे दोस्तों, ये दुआ कुरान मजीद में सूरह माईदा की आयत नंबर 114 है, जिसको सुबह में 3 बार और शाम को यानी कि रात में 3 बार जो शख्स भी पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके सर से गरीबी का दाग मिटा देता है। उस शख्स के घर में कभी भी फाका नहीं होता है। उस शख्स के रिज्क में, माल में, दौलत में बेपनाह इजाफा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग सुबह शाम इस दुआ को पढ़ा करें, इंशाल्लाह गरीबी हालात ख़त्म होंगे। और प्यारे दोस्तों, इसी आयत को सिर्फ 11 बार पढ़ें, 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप लोग इस आयत को 11 बार पढ़ें और उसके बाद आसमान की तरफ देख कर फूँक दें और उसके बाद कहें, या अल्लाह तू मुझे फ़ला चीज़ अता कर दे। फला की जगह प्यारे दोस्तों आप लोग अपनी ज़रूरत बोलें, जिस चीज़ की भी चाहते आप लोग फला की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे फला चीज़ अता फरमा दे। प्यारे दोस्तों, यकीन जानिए, जो जी में आए आप लोग मांग लें वो मिल जाता है। अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से आपको वो चीज़ अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए अब वो बेहतर और ताकतवर दुआ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक करके तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों, इस दुआ का तर्जुमा वीडियो के आखिर में बताया जाएगा, तर्जुमा ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अंजिल अलैना माईदातम मिनस समाई तकूनु लना आयदन लि अव्वलीना व आखिरीना व आयतम मिनक वर्जुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। प्यारे दोस्तों, इस दुआ को एक मरतबा और सुनिए और अपनी स्क्रीन पर देख भी लीजिए। रब्बना अंजिल अलैना माईदातम मिनस समाई तकूनु लना आयदन ली अव्वलीना व आखिरीना व आयतम मिनक वर्जुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। प्यारे दोस्तों, ये सूरह माईदा की आयत नंबर 114 है, इसका अब आप लोग एक मरतबा तर्जुमा भी सुनिए। ऐ रब हमारे, हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो। ईद का मतलब प्यारे दोस्तों यहाँ पर खुशी से है। और हमारे अगले पिछले की और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज्क दे और तू सबसे बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों के समझ आ गया होगा। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक करके तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।